टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास मास कैसा है दोनों का सेम है एरिया भी सेम है और सरफेस की फिनिश भी सेम है यानी कि मास एम एरिया ए और सरफेस की फिनिश के अकॉर्डिंग ई भी सेम होगा और उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस कैपेसिटी इज एस ए एंड एस बी दी हुई है इस रिलेशन के साथ जिसमें एस ए जो है वो ग्रेटर देन है एस बी से आर अलाउड टू कूल फॉर अ गिवन टेम्परेचर रेंज तो गिवन टेम्परेचर रेंज के लिए उसको कुल cool किया जाता है तो टेम्परेचर वेरीज विद टाइम एस तो टेम्परेचर किस तरीके से वेरी करता है टाइम के साथ ये हमें इस ग्राफ में दिखाना है कि कौन सा ग्राफ सही होगा ठीक तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू दूटिंग डी ठीटा डिवाइडेड बाई डीटी डी दीध थीटा कितना है यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई डीटी यानी कि ये हो गया रेट ऑफ कूलिंग ठीक और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कूल फॉर द गिवन टेम्परेचर रेंज तो गिवन टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करें तो डी थीटा मतलब यहाँ पर किसी टेम्परेचर को डिनोट कर रहा है छोटे से टेम्परेचर डिफरेंस को तो छोटे से टेम्परेचर तक को तक कूल डाउन होने के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा डी टाइम लगा होगा तो ये रेट ऑफ कूलिंग है वो बराबर हो जाती है किसके के ए या के टी माइनस टी नॉट सराउंडिंग ठीक है टी नॉट क्या है सराउंडिंग टेम्परेचर और टी क्या है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी इजिकल टू के को मैं लिख सकता हूँ बी इन टू एम एस टी माइनस टी नॉट क्लियर और बी क्या है यहाँ पर हम जानते हैं कि बी इज प्रपोर्शनल टू बी इज प्रपोर्शनल टू या मैं बी इजिकल टू लिख दूँ तो बी इजिकल टू होता है फोर सिग्मा ई की पावर टी d नॉट की पावर 3 लिख सकता है ऐसा ये b की वैल्यू होती है तो ये सारे के सारे क्या है कांस्टेंट है क्योंकि e सेम है t नॉट सेम है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग यहाँ पर सेम है मास सेम है ठीक है एरिया ऑफ सरफेस भी सेम है तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस डी थीटा डिवाइडेड बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन s s क्या है यहां पर स्पेसिफिक हीट s क्या है स्पेसिफिक हीट तो क्या मैं लिख सकता हूँ दीट थीटा डिवाइडेड बाई डी टी वो भी नेगेटिव में इस प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एस एस क्या है स्पेसिफिक हीट तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप यानी कि एस अगर ज़्यादा होगा तो स्लोप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एस ए इज ग्रेटर देन एस बी है एस ए इज ग्रेटर देन एस बी है इसलिए स्लोप फॉर ए इज लेस देन स्लोप फॉर बी होगा क्लियर स्लोप ऑफ ए इज लेस देन स्लोप ऑफ बी होगा और स्लोप कैसी है नेगेटिव है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए हमारा आंसर आना चाहिए ए क्योंकि स्लोप ए जो है वो कम है स्लोप ऑफ बी से तो इस तरीके से न्यूटन स्लो ऑफ कोलिंग से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है ठीक तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा